हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्री में हुली। मेरे हर एक व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेहुली आज जा रही हूँ खैरताबाद हैदराबाद में, जहाँ पे वर्ल्ड्स की टॉलेस्ट गणेश आइडल बनाया जाता है। ये बेसिकली मेरे घर से 23 किलोमीटर की दूरी पे है। आप बोल सकते हो ये एक सिग्नेचर इवेंट है। ये जो खैरताबाद की जो गणेश आइडल है, इस बार कोरोना के चलते उसका हाइट 40 फीट किया गया है। मैं 2019 पे यहाँ पे विजिट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तब का जो गणेश जी का आइडल का जो हाइट था वो था 63 फीट। ये पूजा स्टार्ट हुआ था 1954 में, तो बेसिकली ये 67th ईयर इन लोगों का है। लेकिन अभी कोरोना जैसे चल रहा है, तो इसीलिए इस आइडल का हाइट 40 फीट किया गया है। तो ये देखिए, NH-65 के ऊपर ही है। आज ट्रैफिक बहुत ही हल्का है, बहुत कम लोग हैं रास्ते पे। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगा था आज गणेश चतुर्थी के पहले दिन है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, अच्छा हुआ है। तो हम जा रहे हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आज देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिए। तो अगर आपके पास स्कूटी और बाइक है तो आप वो लेके आ सकते हो, क्योंकि पार्किंग आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन गाड़ी का जो पार्किंग है वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो हमने लगभग 700 मीटर दूरी पे एक बिल्डिंग के नीचे कार को पार्क किया है। 50 रुपीज़ चार्ज है पार्किंग का। तो अभी पैदल चल के हम जाएंगे गणेश जी की दर्शन करने। तो ये देखिए, ये मेन रास्ते से जस्ट आपको ऐसे अंदर जाना होगा। ये ब्लॉक किया गया है मेन रास्ते को। तो यहाँ पे भीड़ है जैसे आप देख पा रहे हो, और पूरा एक इस रास्ते को देख के लग रहा है पूरा मेला आ चुका है। तो अच्छा लगता है। देखिए, बलून से फूल है। 50 रुपीज़ को आपको एक पैकेट मिल जाएंगे, जहाँ पे नारियल फूल सब कुछ आपको मिल जाएगा पूजा देने के लिए। तो चाट की दुकानें, गोलगप्पे की दुकानें, ये देखिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने जैसे पढ़ा है कि सैनिटाइज़र टनल बनाया गया था, क्योंकि सैनिटाइजेशन प्रोसेस को नज़र में रखते हुए हर एक लोग को सैनिटाइज करके अंदर उनको परमिशन दिया जाएगा जाने के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ है और ऊपर से इतना सारा एंट्रेंस है, तो उसको देखते हुए ये सैनिटाइजर टनल जो है वो बंद किया गया है। ये उत्सव मेला देखिए एक रास्ता क्या है उधर पे। और ये देखिए, मेहंदी वाले सब बैठे हुए हैं। और लगभग मेन रास्ते से हम लोग 500 मीटर चल के अंदर आ चुके हैं। अभी यहाँ से लाइन जैसे स्टार्ट होगा, मुझे दिखाई दे रहा है लाइन। मंदिर है तो ये देखिए, और यहाँ से क्यू नंबर 2 है। ये देखिए, छोटे हनुमान जी बैठे हुए हैं। प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा मदद कर दीजिए कभी भी अगर आपको मिल जाए तो। तो ये मैं लाइन पे ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हूँ। हाँ, यहाँ पे डिस्टेंस तो मेंटेन नहीं हो रहा है, लेकिन मास्क हर एक जन पहने हुए है, और ये मैंडेटरी भी किया गया है मास्क। पुलिस है बहुत सारे। देखिए, लगभग मुझे 20 मिनट्स में लाइन पे खड़ी थी, उसके बाद मुझे दर्शन करने का चांस मिला। ये देखिए, बहुत सारा लाइन है। ये सैनिटाइजर टनल है, और ये हम पहुंच चुके हैं आइडल के सामने। सबसे पहले है माँ मनसा, इनका आइडल है सबसे पहले। और एक छोटा गणेश भी है यहाँ पे, गणेश जी देखिए। और ये है 40 फीट का गणेश जी, जिसे आप देख सकते हो। उनके हाथों में लड्डू है एक। और इस बार जो गणेश जी को लड्डू भोग में चढ़ाया गया है वो है 1100 केजी का लड्डू। तो 1100 केजी मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। आपको दिखाएंगे वो लड्डू के पिक्स।
और ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, बहुत। ये देखिए ये लड्डू है, 1100 केजीज का लड्डू जो भोग में चढ़ाया गया है गणेश जी को। हर एक जगह पे कैमराज है लगाया गया है ताकि इसका लाइव आपको दिखाया जाए, आरती आप टीवी पे देख सकते हो। ये देखिए कैमरे सब लगे हुए हैं, यूट्यूब या फिर टीवी चैनल में आपको लाइव दर्शन मिल जाएंगे। देखिए बहुत भीड़ है और ये हमारा दर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। गणेश जी हम सब की दुख को दूर कर दे, यही प्रेयर है। और ये है माँ काली की एक मूर्ति बनाया गया है, जस्ट साइड में ही है गणेश जी की। यहाँ पे कैलेंडर्स लड्डू बिक रहे हैं, कैलेंडर्स 20 रुपीज़ में है, लड्डू 10 रुपये 20 रुपये में भी है। तो अभी हम जाएंगे मेले की जो रास्ता है उस रास्ते पे। जैसे मैंने देखा है यहाँ पे जो हमें दुकानें सब बैठे हैं, ये देखिए छोटे हनुमान जी आइसक्रीम खा रहे हैं, कितना क्यूट है, बैलून लेके बैठे हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें खरीदा है, ये क्लिप्स 10 रुपये में मुझे मिल गया, एक नेकलेस मिला है मुझे लगभग 50 रुपीज़ में, बहुत ही मिनिमल रेट में दुकानें सब बैठे हैं। यहाँ पे 30 रुपीज़ में आपको इयर रिंग्स मिल जाएंगे। ये देखिए भविष्यवाणी हो रहा है, मैंने ट्राई नहीं किया है लेकिन ये आपको अच्छा। यहाँ पे स्लिंग बैग्स 180 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए ज्वेलरी शॉप से 30 रुपीज़ में इयर रिंग्स आपको मिल जाएंगे, जो कि ऑनलाइन अगर आप खरीदते हो तो 200 रुपीज़ आपको पड़ जाएंगे। 10 रुपये में हर एक चीज़ है, बहुत सारे हेयर बैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर बैंड्स है, फिर नेल पॉलिश है, काजल है, सिंगार है, गार्डर्स है, बहुत सारे सब, हर एक चीज़ 10 रुपये में है ना, बहुत ही सस्ता और क्वालिटीज़ भी अच्छे हैं। ये देखिए एक गणेश जी मुझे मिला है जो कि डॉक्टर की यूनिफॉर्म में है, कितना क्यूट लग रहा है। तो मैं चलती हूँ घर। अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।